सर, मैं दृष्टि शर्मा, मैं उत्तराखंड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं अभी अभी रिसेंटली घर आई हूँ। तो वहाँ पे हमारे मतलब बहुत मुश्किल से निकल के आया हूँ वहाँ से। बच्चे काफ़ी, हम फिर भी वेस्टर्न साइड पे थे, इतनी दिक्कत नहीं थी, पर जो बच्चे अभी खारकी, सुम्मी, उड़ीसा यूनिवर्सिटीज में, उनकी बहुत दिक्कत है। अभी भी बच्चे वहीं स्टक है और उनको अभी हमारी मतलब गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उनको पहले निकाला जाए। जैसे हम अभी आए हैं तो हमारे बॉर्डर्स पे 12-12 घंटे लग रहे हैं। हमारे उस ग्रोथ से हंगरी का बॉर्डर सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है बाई रोड, बट फिर भी हमें वहाँ से निकलते 12 घंटे लग गए। उसके बाद भी हमारा 3 दिन की जर्नी थी, तो हम बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं सर। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह काफ़ी सीन बहुत गंदे हो रहे हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खारकी वाले बच्चों को पहले निकाला जाए। बेटा, वहाँ पर खाने का, रहने का क्या, कैसे प्रबंध हो रहे हैं? सर, खाने का मतलब कहते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। हम जैसे हंगरी बॉर्डर पे बैठे थे, बॉर्डर पे हमें कुछ नहीं मिला, बसेस वगैरह में कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ, बट एयरपोर्ट पे जब हमारा प्लेन फ्लाईओवर करने वाला था, उससे जस्ट हाफ एन आवर पहले जस्ट एक प्लेट छोटी सी चावल बॉइल्ड राइस की मिली थी और कुछ नहीं मिला हमें। और प्लेन में भी सिर्फ हमें मतलब एक आप लगाओ मैगी का पैकेट था और एक बर्गर था बस, और कोई फूड एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं हुआ। बट हम फिर भी सेटिस्फाइड हैं, फिर भी हम गवर्नमेंट का थैंक यू करते हैं कि हमें सबसे पहले निकाला गया। आप भारत सरकार से क्या बेनती करना चाहते हैं? सर, हम अपील है कि जो फंसे हुए बच्चे हैं उनको निकाले। अभी तक बताओ कि कितने बच्चे वहाँ पर होंगे आपको? सर, हम मेरे अप्रोक्सीमेट तो 800-900 बच्चा तो आराम से वहाँ पे अभी भी रिसेंटली फंसा हुआ है। खारकी में मेरे खुद के भैया हैं, तो वो मतलब वही अभी तक स्टक है। हम मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले उनको निकाला जाए, क्योंकि जैसे हम उनसे मतलब बातचीत होती रहती है, वो बोलते हैं हम जैसे फ्लैट से निकल रहे हैं सामने से, तो सामने निकलते बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो सीन बहुत गंदे होते हैं। हमारे बिल्कुल सामने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, बट जिनके सामने हो रहे हैं उनको पूछने वाला है सर क्या दिक्कत होती है उनको। और इंडियन एम्बेसी उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहे, उनको बोल रहे कि अपने रिस्क पे बॉर्डर क्रॉस करो आप, तो वो खुद के रिस्क पे कैसे करे सर। खारकी में एक बच्चे की डेथ होगी और उसके पहले आज रिसेंटली अभी 2-3 घंटे पहले विनिच्या के एक बच्चे की डेथ हुई है, सर वहाँ पे। तो खाने पीने की उनको बहुत दिक्कत आ रही है। मान लो वो खाना लेने गए थे भैया, तो खाना लेते टाइम रशियन आर्मी ने उनके अटैक किया सर। आप मोदी से, प्रधानमंत्री से क्या अपील करने चाहते हैं? सर, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे मतलब जैसे ही मेरे ये भैया हैं, लक्ष्मेश्वर भैया हैं, खारकी यूनिवर्सिटी में हैं, तो बड़ी बेटी आई है जी, ठीक है, तो यही जो महसूस हो रहे हैं, बहुत खुशी हुई है, हंसती खेलती घर आ, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਬੱਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੇਸ਼ ਮੌਂਡਬੜੀ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਲਖਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਕੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਆਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੀਵ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸੁੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ, देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इस नू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।